सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देख के तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि क्यों मैंने ऐसा लिखा है कि Redmi Note 5 Pro को किल कर दिया है Xiaomi कंपनी ने। इसके पीछे बहुत सारी वजह है। आज लॉन्च हो गया है Redmi Note 5 6 Pro और उसको देखते हैं, उसके प्राइस को देखते हैं, मुझे आइडिया लग गया कि अब Xiaomi क्या चाहती है। मार्केट के अंदर बहुत ही गला काट कॉम्पिटिशन चल रहा है। अगर मैं अच्छी तारीख में बात करूं, वो टाइम नहीं रहा है जब 5000 से लेकर 15000 के बीच के सेगमेंट में लगभग Xiaomi कंपनी का दबदबा था। जिस भी फोन को देखो, लगभग 5000, 10000 या 15000 के बीच में लगभग हर एक सेगमेंट में Xiaomi का कब्जा था। इंडिया की नंबर वन कंपनी बन गई है, आज की तारीख में भी नंबर वन है। लेकिन जिस तरीके से कंपटीशन चल रहा है और जिस तरीके से नए नए ब्रांड्स कमाल धमाल फोन लेके आ रहे हैं और कुछ सब ब्रांड्स से बड़े ब्रांड के ऐसे ऐसे फोन लेके आ रहे हैं जिसके अंदर कॉन्फिग्रेशन भी बहुत कमाल की है और प्राइस के हिसाब से वो बहुत जस्टिस करते हैं, तो ऐसे में Redmi के लिए हो गया बहुत ही कड़ा मुकाबला मार्केट के अंदर। तो Redmi 6 Pro से मुझे कुछ उम्मीद थी, लेकिन दोस्तों Redmi ने दो अपने नुकसान कर लिए हैं ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। एक तो Redmi Note 5 Pro जो कि इनका एक बहुत बड़ा सक्सेसर था, जो कि बहुत अच्छा फ़ोन इनका था, एक तो उसको इन्होंने किल कर दिया। रीज़न इसके पीछे सबसे बड़ा ये है क्योंकि प्रोसेसर का सेम होना, लगभग कॉन्फ़िगरेशन का सेम होना, सिर्फ एक नॉच का और डबल कैमरा की अगर मैं बात करूँ, इसके अलावा ऑलमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन का सेम होना और जो Redmi 6 Pro का जो प्राइस है वो 1000 रुपये कम होना। जी हाँ, 4GB 64GB का जो वर्जन है वो Redmi Note 5 Pro के अंदर 13990 का है, लेकिन आज जो फ़ोन लॉन्च हुआ है Redmi 6 Pro, Note 6 Pro, उसका प्राइस इन्होंने रखा है 12999 रुपये। ऐसे में दोस्तों कोई क्यों Note 5 Pro को खरीदना पसंद करेगा? तो Note 6 Pro की जगह बनाने के लिए इन्होंने Note 5 Pro को किल कर दिया और ये बहुत ही गलत बात है। रीज़न इसके पीछे मैं एक और बताता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग आज तक Note 5 Pro को खरीद रहे थे। मैं उनके बारे में सोचता हूँ जिन्होंने लगभग कुछ टाइम पहले Note 5 Pro को खरीदा है और आज Note 6 Pro जो लॉन्च हुआ है वो 1000 रुपये कम में दाम में लॉन्च हुआ है और कॉन्फ़िगरेशन चाहे थोड़ी सी ही मैं बोलूँ लेकिन उसके मुकाबले वो हायर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ गया है। तो ऐसे में मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार उन लोगों के साथ भी धोखा हो गया जिन्होंने अभी थोड़े टाइम पहले ही Note 5 Pro खरीदा है। साथ में अगर मैं बात करता हूँ कि किल कर दिया है Note 5 Pro को, इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ दोस्तों, आप मार्केट में जाते हो और आपको एक सेम कॉन्फ़िगरेशन का फ़ोन जो है वो 1000 रुपये सस्ता मिल रहा है तो आप वो फ़ोन क्यों लेंगे? जबकि इसके अंदर थोड़ा बहुत फालतू ही है। अगर मैं फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करूँ तो इसके अंदर दो कैमरा आ गए हैं, 20 MP प्लस 2 MP। अगर प्रोसेसर की बात करता हूँ, 636 का प्रोसेसर ही दोनों के अंदर मिल रहा है, 4000 mAh की बैटरी इन दोनों के अंदर मिल रही है। दोस्तों, इसे कम्प्लीटली नया मॉडल नहीं बोला जा सकता, अगर मैं बोलूँ तो इसको एक अपग्रेड मॉडल बोल सकते हैं, लेकिन नया मॉडल बोलना तो अपने आप में एक Redmi को पता नहीं क्या हो गया। कई बार मैंने देखा है कि कुछ ब्रांड्स को ना सक्सेस आने के बाद क्या हो जाता है, तो बहुत ही ज़रा सी बड़ी स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ तो 5.99 इंच से 6.2 इंच की स्क्रीन की बात करूँ या हल्की फुल्की नॉच की बात करूँ, और ऑनेस्टली दोस्तों Xiaomi की नॉच जो है वो इतनी कमाल की नहीं है। जैसे कि अगर आज की मैं बात करता हूँ Realme 2 Pro की, जो बिल्कुल एकदम वाटर ड्रॉप नॉच है, वो बहुत ही कमाल की नॉच है और इसके अंदर स्पेस इतना ज़्यादा ले लेता है नॉच के अंदर Redmi अगर मैं बताऊँ तो। बट Redmi की नॉच और Realme की नॉच के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं है। 100% जो विनर है वो Realme की नॉच है, और काफ़ी कम स्पेस लेती है, टोटल बिंदी की तरह वो एक बहुत ही कम नॉच उसके अंदर आ जाती है। और लगभग सेम प्रोसेसर का होना, सेम बैटरी का होना, लगभग सेम डिज़ाइन का होना, अगर मैं कलर की बात करूं तो हल्का फुल्का सा डिफरेंस है और एक नया कलर इन्होंने लॉन्च करा रेड कलर, जो देखने में मुझे ऑनेस्टली इतना बुरा लगा। मतलब एक रेड कलर होता, चलो ठीक है, काफ़ी सारे ब्रांड्स के अंदर आईफोन के अंदर रेड आया तो इट वॉज क्वाइट नाइस, और कई सारे ब्रांड्स होते हैं जिनके अंदर एक रेड कलर आता है, लेकिन इसका जो रेड कलर है वो थोड़ा सा अजीब सा रेड कलर है, ऑनेस्टली मुझे तो इतना पसंद नहीं आया। बट होप सो कि इनके अब पहले 3 कलर थे, अब 4 कलर आ गए हैं। अगर आने वाला जो टाइम है उसके अंदर Redmi नहीं सुधरा या इसी तरीके के फ़ोन, वो अगर वो सोचता है Redmi 7 Pro भी वो ऐसा ही लेके आने वाला है, तो शायद आने वाले दिन जो है वो Redmi के लिए कुछ खास अच्छे नहीं होने वाले हैं। इसी उम्मीद के साथ कि Redmi अब सुधर जाएगा, कुछ काफ़ी सारे अच्छे फ़ोन लेके आएगा मार्केट के अंदर, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से उसका होल्ड जो है मार्केट से हिलता चला जा रहा है, और जिस तरीके से Asus के अभी कुछ फ़ोन आने वाले हैं या Realme के कुछ फ़ोन आने वाले हैं, तो देखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन जो है वो काफ़ी तगड़ा होने वाला है। उम्मीद करते हैं इससे कंज्यूमर का फ़ायदा होगा, आपका फ़ायदा होगा। दोस्तों, इसी तरीके की वीडियो अगर आपको देखने हैं तो चैनल के साथ बने रहिएगा। मेरा नाम है संदीप, चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन। मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।